करनाल में आज किसानों की महापंचायत है। किसान और जवान आमने सामने नजर आ रहे हैं। अनाज मंडी में किसानों की रैली और रैली के बाद किसानों ने जिला सचिवालय का घेराव करने का आह्वान किया है। अनाज मंडी से किसान ना निकल पाए इसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी करनाल गंगाराम पुनिया ने अनाज मंडी में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बिल्कुल तैयार है। प्रशासन लगातार किसानों के संपर्क में है। प्रशासन भी यही चाहता है कि जो भी समाधान हो बातचीत से हो। आज किसानों की महापंचायत है। देखिए, महापंचायत को देखते हुए हमने सुरक्षा की हमारे हिसाब से पुख्ता इंतजाम किए हैं। 40 के आसपास कंपनियां यहां पर डिप्लॉय की गई है जो किसी भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। लेकिन साथ के साथ ही हम बार लगातार किसान नेताओं के भी संपर्क में हैं। प्रशासन भी यही चाहता है कि जो भी समाधान है वो आपसी बातचीत से इसका निपट जाए और किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो। तो हमें उम्मीद है कि आज का जो भी महापंचायत के बाद में आपसी बातचीत होकर के मामले का समाधान निकाला जाएगा। बातचीत हुई है सर कल शाम के बाद किसानों से, शांति प्रिय रहे जो? देखिए, कल भी हमारे जो किसान नेता है और खासतौर पर श्री गुरुराम सिंह जी चढ़ोनी वो आए थे, उनके साथ बातचीत हुई थी। हालांकि वो जो भी प्रशासन की तरफ से समाधान जो बताया गया उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। इसके बावजूद भी हम शाम को से भी लगातार किसान नेताओं से संपर्क में हैं और हमें उम्मीद है कि आज भी बातचीत होगी और मामले का समाधान निकलेगा। सर, ट्रैफिक व्यवस्था कायम रहे उसके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, वैसे कल उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम नेशनल हाईवे को किसी प्रकार से बाधित नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी कारणवश नेशनल हाईवे का ट्रैफिक बाधित होता है तो हमने पानीपत से और कुरुक्षेत्र जिले से पहले से ही टाई अप कर रखा है और ट्रैफिक डाइवर्जन के रूट भी आम जनता को पहले से बता रखे हैं। यदि किसी कारणवश कोई परेशानी आई तो वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। पिछली बार की तरह ब्लॉक किया जाएगा? देखिए, जितने भी हमने अरेंजमेंट्स किए हैं हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आम जनता को कम से कम परेशानी आए। तो हम कैथल पुल या काछवा पुल को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो मिनी सेक्ट्रेट है उसके अंदर भी और उसके आसपास भी हमने कुछ नाकेबंदी की है ताकि कोई प्रदर्शनकारी वहाँ घेराव के पर्पज से ना जा सके। आम जन का काम है, उनमें भी किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। सर, प्रशासन से बैठक के बाद कल मीडिया ने बात की थी गुरनाम सिंह चढ़ोनी से और उनका कहना था अगर प्रशासन हमें रोकेगा तो हम बैरिकेडिंग तोड़कर आगे आएंगे। देखिए, मैंने बताया और कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ना प्रशासन चाहता है कोई आपसे टकराव बने और किसान नेताओं ने भी कल आश्वासन दिया था कि वो कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जो गैरकानूनी श्रेणी में आती हो। पूर्णतया शांति कायम रखेंगे। जब दोनों ही पक्ष शांति कायम रखना चाह रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि मामले का हल भी शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगा। सर, सेंटर से कितनी फोर्स बनाई गई है? टोटल हमारे पास 40 कंपनी हमने डिप्लॉय की है जिसमें से 10 CAPF है। ड्रोन से लेकर वीडियोग्राफी तक की जाएगी। करनाल में अलग अलग जिलों से पुलिस बल के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की 40 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। वहीं अलग अलग जिलों के 5 SP और 25 DSP तैनात किए गए हैं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।